अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए अदालतें आज की अहम खबर पे एक नज़र। आदाब नाजरीन, स्टार न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का खैर मकदम है। एबट्स ताजमहल होटल के पास 15 टिप्पर गाड़ियां ठहरी हुई हैं, जिसके सबब यहां पर काफी ट्रैफिक देखी जा सकती है। ताजमहल चौरस्ते पर एक दुकान के सामने काम चलने पर 15 गाड़ियां मंगवा ली गई, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। और एबट्स पीएस से ना कोई ट्रैफिक पुलिस और ना ही ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, और दिन के टाइम पर वहां दोनों साइड्स पर पार्किंग की जाती है। वहां से बसेस भी गुजरती हैं, जिससे वहां से आने जाने वाले आवाम को काफी मुश्किलात पेश आते हैं। आइए नाजरीन देखें हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट। स्टार न्यूज एक्सप्रेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। एक नहीं, दो नहीं, 12-15 गाड़ियां यहाँ पर ठहरे हुए हैं। पूरी ताजमहल होटल से लेके पर हाईलैंड चौरस्ते तक पूरी रोड जाम करके रखे लोग, और कोई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई पुलिस वाला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी ट्रैफिक काफी जाम हो चुकी है यहाँ पर। ये देख सकते हैं, कोई एक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई एक पुलिस ऑफिसर या कोई जवान यहाँ पर मौजूद नहीं है, और काफी पूरी ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। एक नहीं, दो नहीं, 12 से 15 टिप्पर गाड़ियां यहाँ पर आगे ठहरे हुए थे। पूरी रोड में आने जाने वाले मुसाफिरों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। ये देख सकते ताजमहल होटल है ये साइड में, पूरे 8-10 गाड़ियां ठहरे हुए हैं, 10:45 होने आ रहे हैं अभी। ये पूरी रोड ब्लॉक करके रखे लोग, ताजमहल से लेके पूरा हाईलैंड चौरस्ते तक पूरा रोड जाम। इतनी रोड जाम है और इतनी पब्लिक को मुसीबत हो रही है, देख सकते हैं आप। एक नहीं, दो नहीं,